कहाँ जाना है, रॉन्ग साइड चल रहा है आदमी, रॉन्ग साइड चल रहा है और फिर मुझे ऐसे कर रहा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, मैं सोनल आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज है शीतला सातम और मैं करने जा रही हूँ शीतला सातम की पूजा। आज के दिन हम बासी खाना खाते हैं और माता शीतला की पूजा करते हैं। फाल्गुन कार में मेरी वेट कर रहा है मम्मी कब आएगी और कब हम जाएंगे। देखो ऐसे खुजली कर रहा है, देखेगा भी नहीं हो, हाय तो बोल। हाँ सही है, थोड़ी देर हो गई है लोकल, थोड़ी देर हो गई है पर कोई बात नहीं, क्योंकि जिंजर को रेडी कर रही थी, उसको क्लीन करना था, खाना खिलाना था, ये सब कुछ करना था, तो थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर, जा रहे हैं पूजा करने के लिए। पूजा करके फिर वापस आके देखती हूँ क्या है, क्योंकि शाम को भी कहीं जाना है और कल जन्माष्टमी है, बहुत सारे प्लान हैं। ये है हमारी सोसाइटी का गार्डन। एक्चुअली फाल्गुन को अभी तक लाइसेंस नहीं मिला है, उसका लर्नर लाइसेंस है अभी और उसको ट्रायल बाकी है, पक्का लाइसेंस आना उसका बाकी है। फिर भी मैं उसको फुल प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जहाँ भी जाते हैं ज़्यादातर वही चलाता है, ताकि उसको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उसका लाइसेंस में प्रॉब्लम ना हो। फिर लर्नर तो है उसके पास, थोड़े दिन बाद उसका ट्रायल है, ट्रायल में पास हो जाएगा पक्का, बोल रहे पास हो जाऊंगा। फाल्गुन को मैंने वापस भेज दिया है घर, उसका कॉल आ गया था तो वो वापस चला गया, क्योंकि हम थोड़ा सा ही अभी आए थे घर से दूर, तो वो वापस चला गया है और अब मैं जा रही हूँ अकेली। अब पूजा करते टाइम शूट कौन करेगा, मैं अकेली शूट करूँगी, पूजा करूँगी या क्या करूँगी, क्या करूँगी देखते हैं क्या होता है। जल्दी जल्दी में मैं सीट पे सीट जल्दी जल्दी में मैं सीट बेल्ट बांधना भूल गई हूँ, गाड़ी रोक के सीट बेल्ट बांध लेती हूँ, क्योंकि अब तो गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ेगी, फाल्गुन तो चला गया, तो सीट बेल्ट बांध लेती हूँ। यार मैं भूल गई, ये पहली बार हुआ है कि मैं सीट बेल्ट बांधना ही भूल गई जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत देर हो गई है, बहुत सारे काम पड़े हैं। यहाँ पे आसपास में सिग्नल उठना कुछ है तो नहीं, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं भूल गई हूँ सीट बेल्ट बांधना, कोई नहीं, इसको कहाँ जाना है, रॉन्ग साइड चल रहा है आदमी, रॉन्ग साइड चल रहा है और फिर मुझे ऐसे कर रहा है। मंदिर तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन मंदिर में भीड़ बहुत है, बहुत बड़ी लाइन है मंदिर में, क्योंकि आसपास में ये एक ही मंदिर है, हम पहले यहाँ पे रहते थे ना, तो मैं यही मंदिर में आती हूँ, वहाँ हमारे घर के पास में कौन सा मंदिर है शीतला माता का मुझे अभी तक नहीं पता है, तो मैं यहीं पे आती हूँ, तो मैं इसलिए यहीं पर आई हूँ। रास्ता इतना ख़राब है, यहाँ पर मेट्रो बन रही है, रास्ता इतना ख़राब है ना, हमारी कार कार की तरह नहीं चलती है, हमारी ऐसे बोट की तरह चलती है, तो यहाँ पे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। दिखाती हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, चलते हैं, इतनी बड़ी लाइन है, इसी लाइन में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, ठीक से पूजा भी नहीं कर पाए और पूरे भीग गए हम। ये देखो मैं पूरी भीग गई, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई, ठीक से पूजा भी नहीं कर पाए और इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, सारी लेडीज तो खड़ी है अभी भी मंदिर में, बाहर नहीं निकल पा रही है, इतना बारिश हो रहा है, तब मैं आकर गाड़ी में बैठ गई। पूजा तो हो गई लेकिन जल्दी 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 में ऐसे करनी पड़ी यार, क्या करे, देखो बारिश हो रही है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ ना, जैसे ही कहीं जा रही हूँ बाहर, कुछ भी प्लान किया हो, शॉपिंग का हो, घूमने का हो, या कुछ भी प्लान करते हैं ना, ये बारिश है ना, सब
पे बारिश फैला देती है पूरी की पूरी। oh, no. कोई नहीं, अब मैं जा रही हूँ घर। पूजा तो मैं की लेकिन वो मैं शूट वूट नहीं कर पाई, एक तो अकेली भी थी, ऊपर से मुझे मोबाइल और ट्राइपॉड सब कुछ अंदर रखना पड़ा क्योंकि मैं खुद इतनी भीग गई थी, पूजा का सामान भी पूरा भीग गया। कोई नहीं तो मैं घर जा रही हूँ, जिंजर मेरा वेट कर रही होगी, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, मिलते हैं। ये देखो बारिश हो रही है, बहुत फास्ट आ रही है। रास्ता देखो कितना खराब है, ये देखो गाड़ी है ना बोट की तरह चलती है, जस्ट लाइक बोट। इतने खड्डे हैं ना कि हम निकाल ही नहीं सकते कहीं से भी। लौट के बुद्धू घर पे आए हैं, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे पार्किंग में, बेसमेंट में पार्क कर दी है मैंने अपनी गाड़ी। अब मैं जा रही हूँ घर क्योंकि जिंजर मेरा वेट कर रही होगी। The next day. जन्माष्टमी है और हमारी सोसाइटी में भी प्रोग्राम है, थोड़ा बहुत वहाँ पे हमने एंजॉय किया। अब हम जा रहे हैं एक हवेली मंदिर दर्शन करने के लिए। वैसे प्लान अलग था कुछ लेकिन वो थोड़ा कैंसल हो गया, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम जाएंगे। अभी मैंने पहनी है साड़ी, में वो साड़ी नहीं दिखा पाई क्योंकि देर हो रही थी, हम निकल गए जल्दी जल्दी तैयार होके, क्योंकि मैं साल में एक या दो बार ही साड़ी पहनती हूँ, कभी कभी मैं ज़्यादा नहीं पहनती। तो अभी हम जा रहे हैं एक हवेली दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहीं जाकर मैं आपको मिलती हूँ। वो शूट करने देते अलाव है या नहीं अलाव है नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे, तो मैं मिलती हूँ आप सबसे वहीं पे। क्योंकि अभी मैं ड्राइव कर रही हूँ तो अगर मैं वीडियो बनाने में लगी गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत बड़ी हाईवे पर। मैं मिलती हूँ आप सबसे। रिमी आपको पूरे व्लॉग में नहीं दिखी होगी क्योंकि उस वो जॉब पे थी, काम पे थी, मैं भी काम में थी, बट फिर भी और आज भी थोड़ा बिजी थे तो वो व्लॉग में नहीं आ पाई, तो मैंने अभी ज़बरदस्त उसको लाई हूँ व्लॉग में। ऐसा अभी थोड़ा हम बैक ऑफ द कैमरा थे, आगे नहीं थे, बस बैक ऑफ द कैमरा शूट करती है ना। यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी फास्ट चलाते हैं ना लोग और अंधेरा इतना छाया हुआ है, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। हाईवे पे इतना अंधेरा है और गाड़ियाँ इतनी फास्ट चल रही है। आज सब लोग शायद जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन के लिए ही जा रहे होंगे क्योंकि 12 बजने वाले हैं अभी। हाँ काफी सारी जगह पे हो रहा होगा इसीलिए हम भी दर्शन करने सोचा जाके आते हैं। हमारे लिए बहुत बहुत बड़ा फेस्टिवल है। हाँ कृष्ण जन्माष्टमी हमारे लिए क्या सबके लिए होगा, जन्माष्टमी हर एक के लिए बहुत मायने रखता है, जो हमारे लिए भी रखता है। कोई नहीं ठीक है, चलो अभी हम लोकेशन पे मिलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या प्रिपरेशन है, आपको सब दिखाएंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ पे वीडियो शूट करने दिया। ओके हाँ, बाकी नहीं तो बैक टू मूव सोसाइटी, वो तो है जिंदाबाद। हमारी सोसाइटी में भी है कृष्ण जन्म हो रहा है, मटकी फोड़ने वाले, तो वहाँ पे भी सेलिब्रेट करना है तो जल्दी जाकर हम दर्शन करके वापस आ जाते हैं। तो
अगर पहुंच पाए तो यार दूसरी जगह, नहीं तो इधर के भी नहीं, उधर के भी नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे। दो ज्यादा, क्योंकि अभी बजे 11:45, 12 बजे तक मटकी फोड़ने का हो जाता है, 11 बजे के हम अभी रास्ते में हवेली जा रहे हैं, तो फिर सोचो अभी आप लोग हमको कमेंट करके बताओ कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। उनको कैसे पता होगा कि वो पहुंच पाएंगे? बाद में आएगा तो भी ऐसा क्यूरियोसिटी रहेगा उनको, पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, सोसाइट के मटकी पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, थोड़ा डाउट है क्योंकि हम निकल तो गए हैं। मैंने सोचा यार हर साल हम हवेली जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो इस साल भी जाते हैं, तो निकलने में थोड़ी देर हो गई, कोई नहीं क्योंकि सोसाइटी में फंक्शन चल रहा था, देखने के लिए गरबा खेलने के लिए रुक गए थे, बट कोई नहीं। और फाल्गुन नहीं आया क्योंकि वो जिंजर के साथ था, जिंजर को जिंजर को संभाल रहा है, जिंजर को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, वो डर जाती है, नहीं छोड़ सकते उसको अकेले, वो आवाज़ उसे डरती है। अभी वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, पूरा घर पैक करके आए हम ताकि उसको ज़्यादा आवाज़ ना आए बाहर से, म्यूजिक की म्यूजिक बहुत लाउड चल रहा है। फाइनली हमें पार्किंग मिल चुकी है, पर बहुत दूर पार्किंग मिली है, बहुत मुश्किल से मिली है, बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है गाड़ी और बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ेगा, भीड़ भी बहुत है, हर जगह म्यूजिक चालू है, शूट भी नहीं कर पा रहे हैं। ये मंदिर के अंदर भी इतनी भीड़ है, ये मंदिर के बाहर भी अंदर तो बहुत भीड़ से चला है। नाश्ता ऊपर लेकर आए घर पे, ये देखो ये है हमारा नाश्ता, अब हम खाएंगे इसको। मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ जिंजर के साथ, जिंजर गुड नाइट बोल दो, जिंजर गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। तो जिंजर के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ, बहुत थक गए हैं, इसको भी सुला देती हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए चैनल पे और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाय, गुड नाइट।